ये समझ में आया आपको, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? निधि, श्वेता, यस सर, यस सर। हाँ, तो इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, अगर मैंने टर्सरी लिया या सेकेंडरी ले लिया कौन सा एल्काइल हैलाइड, तो अगर आपने एल्काइल हैलाइड को क्या ले लिया, सेकेंडरी या टर्सरी, तो इसमें एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगा, ईथर नहीं बनेगा। ईथर कब बनेगा, जब आपने एल्काइल हैलाइड को प्राइमरी एल्काइल हैलाइड यूज किया है, जी तभी क्या बनेगा, ईथर बनेगा, अदरवाइज ईथर नहीं बनेगा। ठीक है, तो यही कहता है वो, याद रहेगा ना ये। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, देखो ये दो ही सर, रिएक्शन है, दो रिएक्शन में ही खत्म है कहानी, इसके दो ही रिएक्शन है मेथड ऑफ प्रिपरेशन के लिए, एक रिएक्शन ये और एक रिएक्शन ये। हाँ, फिनॉल के साथ बना सकते हैं, फिनॉल के साथ। फिनॉल में ईथर कैसे बनाएंगे, देखो फिनॉल में अगर हम ईथर बना रहे हैं तो कैसे बनाएंगे, इसमें क्या करेंगे, फिनॉल से NaOH को मिलाया हमने पहले, जैसे हमने कल भी रिएक्शन करी थी फिनॉल की, तो ये फिनॉल है, अब फिनॉल में OH लग गया, फिर इसमें हमने क्या मिलाया, NaOH, तो क्या करता है, H और OH बाहर हो जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा यहाँ से, और ये Na यहाँ पे लग जाता है, तो ये बन जाता है आपके पास रिंग, और रिंग के बाद यहाँ पे आ जाएगा ONa। ठीक है, अब आप इसमें क्या मिला दो, कुछ भी ग्रुप मिला दो, जैसे CH3X मिला दिया, CH3Cl, तो क्या होगा, NaCl बाहर हो जाएगा, CH3 यहाँ लग जाएगा, तो ये रिंग है जो ये इस तरीके से बन जाती है OCH3, तो ये ईथर बन गया, देखो बेंजीन रिंग OCH3, तो इसे कहेंगे ईथर, एरोमेटिक ईथर, ये होता है आपका एरोमेटिक ईथर, क्योंकि एरोमेटिक रिंग है तो ये एरोमेटिक ईथर इसमें बन जाएगा। ठीक है, अब आप कहोगे कि ये बॉन्ड क्यों नहीं टूटेगा, ध्यान रखना कभी भी अगर ये ग्रुप आ गया और इसमें लिखा है ONa, और दूसरा यहाँ पे कुछ भी ग्रुप आ गया, जैसे मैंने लिखा C2H5, C2H5Cl, ध्यान रखना ये बॉन्ड कभी नहीं टूटता, ये बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है, ये बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, तो ये बॉन्ड इसके साथ मिलके NaCl हो गया बाहर, और ये ग्रुप यहाँ पे लग जाएगा, तो क्या होता है, ये रिंग हो गया, ठीक, रिंग में ओ लग गया, और ये हो जाएगा C2H5। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास ईथर, क्लियर। सर ONA का। हाँ, ONA का, तो ONA का बॉन्ड टूटेगा, ये वाला कभी नहीं टूटता बॉन्ड, ONA से टूटेगा, NaCl बाहर हो जाएगा, ये ग्रुप यहाँ लग जाएगा, तो बन गया फिनॉल, ये बेंजीन रिंग ओ C2H5। अब इसका नाम क्या होगा, देखो इसका नाम पहले समझ में आ गया यहां तक, यस सर, अब इसका नाम क्या होगा, देखो इसका नाम बताओ जरा, ये ग्रुप है और इसके ऊपर से क्या लग गया, ओ C2H5, इसे क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या होगा, इथ, दो कार्बन है, ऑक्सी, इथॉक्सी, और इसे कहेंगे बेंजीन, तो इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी बेंजीन, इथॉक्सी बेंजीन। ठीक है, जब भी ओ लग गया, देखो सी के पीछे ओ लग गया, तो ऑक्सी लग जाएगा, और ऑक्सी किसके साथ लगेगा, जो छोटा ग्रुप है, ये बड़े ग्रुप के साथ नहीं लगेगा, ये बड़ा ग्रुप है, ये छोटा ग्रुप है, तो जो छोटा ग्रुप है उसके साथ ओ लग जाएगा, तो दो कार्बन है तो एथ, और ओ ऑक्सीजन है तो ऑक्सी, तो एथॉक्सी ये बेंजीन है, एथॉक्सी बेंजीन। ठीक है, ये आया समझ में, हाँ, यस तो ये भी ईथर बन जाएगा लेकिन एरोमेटिक वाला, तो ये आपका यहां तक फिनिश हो गया, देखो ये हो गया प्रिपरेशन, फिनिश हुई है प्रिपरेशन। अब आ गया देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल वैसी है जैसे मैंने आपको हर एक की बताई थी, फिजिकल सबकी सेम है, फिजिकल में कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, बस वो कहता है कि यहाँ पे जो सीओ बॉन्ड होता है वो पोलर होता है, पोलर मतलब जानते हो क्या हुआ, जिसमें चार्ज जनरेट होता है, जैसे मैंने कहा COC, तो का ऑक्सीजन में स्लाइटली नेगेटिव यस चार्ज और इसमें पॉजिटिव चार्ज, तो इसे कहेंगे पोलर नेचर, पोलर, लेकिन इसका पोलर क्या होता है, वीक होता है, इसका पोलर कैसा होता है, वीक पोलर होता है ये, वीक, जैसे अल्कोहल होता है वो स्ट्रांग होता है, या एल्डिहाइड स्ट्रांग होता है, लेकिन ये जो ईथर होता है इसका क्या होता है, वीक पोलर हो जाता है, वीक। ठीक है, तो ये हो जाएगा वीक पोलर, ठीक,
आया समझ में? यस सर। अब सेकंड स्टेप देखो इसका, जैसे मैंने सबके लिए बॉइलिंग पॉइंट में बताया था वही इसके लिए भी है। दोबारा समझा दो ये। हैं? नहीं आ रही थी, दोबारा समझा दो ये वाला। सर रिपीट। रिपीट करना है। ओके। एक सेकंड। इसमें क्या होगा देखो कि जब भी आपको मैंने कहा पोलर नेचर को शो करता है, पोलर का मतलब होता है जहां पे चार्ज जनरेट होता है, पोलर मतलब चार्ज जनरेट होना। जैसे मैंने कहा ये पोलर है तो पोलर का मतलब क्या हुआ, चार्ज जनरेट हो जाएगा। जैसे मैंने कहा सी ओ सी, यहाँ पे हो गया सी एस थ्री, यहाँ पे भी सी एस थ्री, ये है ईथर। तो ईथर कैसा नेचर होता है, पोलर। लेकिन ये वीक होता है, वीक कैसे हुआ वीक, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है। कार्बन पे कौन सा चार्ज होगा, प्लस चार्ज, तो कार्बन पे हो गया प्लस चार्ज, ऑक्सीजन पे हो गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो जहां पे भी प्लस और माइनस चार्ज जनरेट होगा वो कौन सा नेचर हो गया, पोलर नेचर। जहां पे भी कौन सा चार्ज जनरेट होगा, स्लाइटली पॉजिटिव और स्लाइटली नेगेटिव चार्ज कहीं पे भी जनरेट हो गया तो उसे हम कहते हैं पोलर नेचर। पोलर का मतलब चार्ज जनरेट होना। और जनरेट क्यों हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, तो इसीलिए इसमें स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, कार्बन की कम होती है। लेकिन यहाँ पे वीक होगा, वीक, ये समझ में आ गया, वीक पोलर नेचर शो करेगा। पहला पॉइंट बताओ। yes, आप देखो सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट में क्या आएगा, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के लिए जैसे मैंने इसमें बताया था सबके केस में वही है, जितने कार्बन ज्यादा होंगे उतना बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होंगे उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, यानी जितना मॉलिकुलर वेट ज्यादा होगा उतना जितना क्या होगा, मॉलिकुलर वेट ज्यादा होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाएगा। जितना मॉलिकुलर वेट ज्यादा होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाए। अब आपको क्वेश्चन पूछता हूं इसमें मैं कि बताओ ये आपका CH3O CH3 और दूसरा है C2H5O C2H5, इन दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, टिक लगाओ। श्वेता ओके, निधि ओके, अंकित वेरी गुड जी। ये सिंपल है, ये सबके साथ केस है, पूरी ऑर्गेनिक में यही केस है कि जितने कार्बन एटम ज्यादा होंगे उसका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। पहला स्टेप देखो, सबके साथ एक ही चीज होगी ऐसे ही। दूसरा, अगर ब्रांच है कोई ज्यादा ब्रांच है तो ब्रांच अगर ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम होगा या ज्यादा होगा ब्रांचिंग। सर हाई। अगर ज्यादा ब्रांच होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई, इंक्रीज होगा। इंक्रीज ओके। यस सर, इंक्रीज होगा। तीनों गलत हो गए, डिक्रीज हो जाएगा। जितना ब्रांचिंग ज्यादा होगी उतना बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, हर केस में, पूरी ऑर्गेनिक में ध्यान रखना। ब्रांचिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे ये है 1 2 3 4, अब एक ब्रांच मैंने ये कर दिया, ये OCH3 हो गया, तो एक ब्रांच है। दूसरी बार में मैंने क्या किया, इसको दो ब्रांच दिखा दी। कार्बन सेम है देखो, दोनों में कार्बन सेम है लेकिन इसमें ज्यादा ब्रांच हो गया, तो जिसमें ब्रांच ज्यादा होगा उसका शेप होता है स्पेरिकल, स्पेयर वाला शेप हो जाता है, स्पेयर शेप का वॉल्यूम कम हो जाता है, इसीलिए जितना ब्रांचिंग कम होगी उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। जितना ब्रांचिंग ज्यादा होगी उतना बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा या मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ठीक है, पूरे केमिस्ट्री में, चाहे आप हेलो एल्केन पढ़ो, चाहे एल्कोहल पढ़ो, चाहे फिनॉल पढ़ो, चाहे ईथर पढ़ो, चाहे एल्डिहाइड पढ़ो, चाहे कीटोन पढ़ो, सबका एक ही सीन है, फिजिकल प्रॉपर्टी सबके लिए सेम होती है। ठीक है, समझ में आ गया ये? यस सर। क्योंकि देखो ऐसा क्यों होता है, उसका लॉजिक ये है कि यहाँ पे वीक वैंडरवॉल फोर्स लगता है, और जो वीक वैंडरवॉल फोर्स होता है, वीक वैंडरवॉल फोर्स वो किस पे डिपेंड करता है, साइज पे। जितना साइज ज्यादा होगा, जितना साइज ज्यादा होगा उतना वैंडरवॉल फोर्स ज्यादा लगेगा। तो साइज कब ज्यादा होगा, अब जैसे आपने ब्रांचिंग कर दी तो ब्रांचिंग ज्यादा होगी तो साइज कम हो जाता है,
क्योंकि वो स्प्रेयर बन जाता है, स्प्रेयर का सबसे छोटा साइज होता है, तभी तो आप सिकुड़ जाते हो ठंडे में। ठंडे में सिकुड़ते क्यों? क्योंकि ठंड कम लगेगी, ठंड हो जाती, ठंड कम लगेगी, इसका मतलब आप कैसे शेप में आ गए, स्पेरिकल शेप में आ गए, तो आपको पता है ठंड कम लगेगी। और आप ऐसे खुल के चढ़ोगे तो क्या होगा, ठंड ज्यादा लगेगी। ठीक है, तो हर कोई ब्रांचिंग में स्पेरिकल शेप में आ जाता है, और स्पेरिकल का साइज क्या होता है, छोटा हो जाता है, इसीलिए उसमें क्या होता है, फोर्स अट्रैक्शन कम लगता है, इसीलिए उसका बॉलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। तो ध्यान रखना उसका बॉलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आपको दे दिया एल्कोहल, दूसरा दे दिया ईथर और तीसरा दे दिया एल्केन, अब तीनों में से बताओ बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा, 1, 2 और 3 सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, एल्कोहल का या ईथर का या एल्केन का? ईथर, ओके निधि। इसके अलावा? ईथर सर। आप बताओ अंकित। ईथर नहीं, ईथर सबसे ज्यादा होता है एल्कोहल का, क्योंकि एल्कोहल में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसमें एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है। ये देखो लिखा हुआ है एल्कोहल का होता है 390 एल्कोहल में, बिकॉज ऑफ हाई बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल में होगा। रीजन क्या है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एल्कोहल में क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसीलिए सबसे ज्यादा। फिर ईथर और फिर एल्केन, एल्केन का सबसे कम होता है। यहाँ पे इसने डाटा में मिस्टेक कर दिया है। ठीक है, तो क्या होगा, पहले पहले एल्कोहल, फिर ईथर और फिर एल्केन, एल्केन सबसे लास्ट में। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर होगा एल्कोहल का, फिर दूसरा होगा ईथर का, और सबसे लास्ट में होता है एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट। रीजन क्या है, एल्कोहल में होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ईथर में होता है पोलर करैक्टर, स्लाइटली पोलर, और इसमें कुछ नहीं होता, इसमें प्योर वैन डर वाल फोर्स होता है, इसीलिए एल्केन। सर तो यहाँ पे ईथर से ज्यादा तो एल्केन का है। हाँ, तो यहाँ पे 5 कार्बन हो गए और ईथर में कितने कार्बन है, 4 कार्बन, तो कंपैरेटिवली दोनों में सेम कार्बन होने चाहिए। ठीक है, इसी रिस्पेक्ट में देखते हैं, 3, 4, 5 कार्बन एटम ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा हो जाएगा, लेकिन अगर कार्बन एटम सेम होगा कंपैरेटिवली तो उसके लिए क्या हो जाएगा। ये देखो इसमें लिखा भी होगा कहीं पे, लार्ज डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल एंड ईथर आर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ये तो हो गया। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि विच इज कंपेरेटिवली टू दोज ऑफ द एल्केन ऑफ कंपेरेटिवली मोलर मास बट मच लोअर देन द एल्कोहल, लेकिन लगभग वो कहता है कंपेरेटिवली सेम होता है लेकिन एल्केन का कम होता है। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन आंसर में चले जाओगे तो क्वेश्चन आंसर में देखोगे कि एल्केन का क्या होगा, सबसे लास्ट आएगा। अगर आप कोई भी क्वेश्चन आंसर बुक से उठा के देखिए तो आप देखोगे कि एल्केन का सबसे कम होगा, ईथर का बीच में होगा और एल्कोहल का सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये याद रखना आप लोगों को, याद रहेगा एल्केन एल्कीन और सॉरी एल्केन ईथर और एल्कोहल में एल्कोहल का सबसे ज्यादा, फिर ईथर का और सबसे कम एल्केन का। ठीक है, यस सर। अब इसमें लास्ट पॉइंट आता है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी में क्या होता है कि वाटर में सॉल्युबल होगा या नहीं होगा, तो ये वाटर में सॉल्युबल होता है। रीजन क्या है, देखो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देगा, ये एल्को, ये ईथर है, ये वाटर है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। तो जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी एरोमेटिक कंपाउंड के साथ, तो उस केस में क्या होगा कि वो वाटर में सॉल्युबल होगा, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी तो। ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन किससे कंबाइंड होगा, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से या फ्लोरीन से, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बाकी किसी के साथ नहीं होती। हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड करे, नाइट्रोजन के साथ करे या फ्लोरीन के साथ करे, तो उस बीच को कहते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बाकी और किसी के साथ भी कंबाइंड होगा तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बनाएगा, देखो ईथर क्या होता है, आर ओ आर ईथर होता है, वाटर क्या होता है, एच ओ एच। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या हुआ, एक डॉटेड लाइन है, तो इस डॉटेड लाइन को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो वाटर में सॉल्युबल होगा, अदरवाइज कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। तो वो यही क्वेश्चन पूछता आपसे कि ईथर ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है,
लेकिन ईथर ईथर क्यों हो जाता है, या एल्कोहल क्यों हो जाता है, या एसिड क्यों हो जाता है, जबकि इन जनरल कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल नहीं है। बताओ क्या आंसर बोलोगे आप? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिल्कुल सही आंसर। अगर कोई भी कंपाउंड आ गया आपके पास और उसने बोला ये वाटर में सॉल्युबल है क्यों, तो आप क्या बोलोगे? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ ठीक है, समझ में आ गया ये? यस सर। और जैसे जैसे सी बढ़ेगा, अब बताओ अगर सी बढ़ गया तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी कम होगी ज्यादा होगी? अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ गए तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी? कम हो जाएगी, डिक्रीज। हाँ डिक्रीज हो जाएगी। अब मैंने आपको फिर क्वेश्चन दे दिया, मैंने बोला CH3OCH3 और दूसरा मैंने कह दिया C2H5O C2H5, बताओ वाटर में ज्यादा सॉल्युबल क्यों हो, कौन होगा? ओके निधि, श्वेता और अंकित। ओके श्वेता और अंकित, राइट है सर, फर्स्ट। ठीक है राइट। अब रीजन क्या है, देखो क्योंकि आपको पता है ये तो क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, CH3 क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और अभी मैंने क्या कहा, ऑर्गेनिक कंपाउंड का वाटर से कुछ लेना देना है ही नहीं, ये तो वो इसको वाटर से कुछ मतलब ही नहीं है, तो जितना छोटा ग्रुप होगा उतना बढ़िया है। अब ये बड़ा बड़ा ग्रुप बन गया, इसको देखो इसका मतलब ये हुआ, ये ग्रुप ऑक्सीजन, ये ग्रुप, और दूसरे में ये ग्रुप ऑक्सीजन, ये ग्रुप। अब जो ये बड़ा ग्रुप है इसको तो वाटर से कुछ लेना देना ही नहीं है, ये तो वाटर में डिजोल्व ही नहीं होगा, केवल ऑक्सीजन होगा, तो ये बड़ा ग्रुप होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन को हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने में दिक्कत आएगी वाटर के साथ, तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। ये छोटा ग्रुप होगा तो ये वाटर के साथ इजीली हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, इसीलिए जितना बड़ा ग्रुप होगा, जितना बल्की ग्रुप होगा, उतना सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, उतना कम हो जाएगी, उतनी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है, और जितना छोटा ग्रुप होगा उतना सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक आया समझ में? तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में यहां तक फिनिश हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टी। बताओ ये समझ में आया आपको लॉजिक? यस सर। ओके श्वेता, श्वेता एंड अंकित, ये समझ में आया? यस सर। ओके तो ये आज हमने किया कौन सा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। देखो एक बार मैं आपको शॉर्ट रिविजन बता देता हूँ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में केवल दो ही मेथड थे हमारे पास। पहला मेथड था हमारे पास, देखो ये याद करना आज, पहला मेथड था एल्कोहल। तो एल्कोहल से हम कैसे बनाएंगे, तो हमने क्या किया, एल्कोहल में देखो टेम्परेचर कम रखा और एसिड की प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा, ठीक, ईथर बन जाएगा, सॉरी, तो एल्कोहल से ईथर बनेगा एस्ट्रोसोपोर यानी एसिड की प्रेजेंस में, ठीक, और लो टेम्परेचर पे ईथर बन गया, पहला मेथड है हमारे पास। और दूसरा मेथड क्या था, दूसरा मेथड है विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस क्या कहता है कि अगर आपने एल्काइल हैलाइड लिया है, एल्काइल हैलाइड को हमने किससे रिएक्शन कर दी, सोडियम एल्कोक्साइड से, सोडियम एल्कोक्साइड और एल्काइल हैलाइड को रिएक्शन किया तो ईथर बन जाएगा और NaCl बाहर हो जाएगा। लेकिन इसमें लिमिटेशन क्या है, ये सेकेंडरी या टर्सरी नहीं होना चाहिए, ये केवल एल्काइल हैलाइड प्राइमरी होना चाहिए तभी ईथर बनेगा। अगर आपने ये सेकेंडरी या टर्सरी ले लिया तो ये एल्कीन बन जाएगा, ईथर नहीं बनेगा, ठीक है, ये कहता हूं सेकेंडरी और टर्सरी नहीं होना चाहिए, केवल प्राइमरी होना चाहिए बस। विलियमसन सिंथेसिस इसका नाम है और नेम रिएक्शन आपको पूछा जाता है हर बार, तो नेम रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसमें यही क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, ये वाला क्वेश्चन इसमें बहुत बार पूछा हुआ। इसके बाद क्या है, ये फिनॉल है, फिनॉल से हम कैसे बनाएंगे, तो फिनॉल में मैंने पहले NaOH डाला, NaOH क्या करेगा, H को हटाएगा, Na यहाँ जाएगा, तो बन गया सोडियम फिनोक्साइड। अब ये इसमें फिर क्या करेंगे हम, इसमें CH3Cl मिला दो, तो ये Cl Na के साथ मिलके क्या बन जाएगा, NaCl बाहर हो जाएगा और ये CH3 ग्रुप यहाँ लग जाएगा, तो ये बन गया ईथर, ROR या AROR, ठीक है, ये एरोमेटिक ईथर बन जाता है। इसके बाद ये आपका हो गया मेथड ऑफ प्रिपरेशन के लिए। अब आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी देखो सबके साथ सेम चलती है, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिजिकल प्रॉपर्टी सेम चलेगी। तो पहले क्या था,
पोलर करेक्टर। तो ये वीक पोलर होते हैं क्योंकि इसमें स्लाइटली चार्ज डेवलप हो जाता है। ये ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, कार्बन प्लस होता है, तो स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है, इसको कहते हैं वीकली पोलर होता है। दूसरा बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में ऑर्डर क्या होता है, एल्केन का सबसे कम, फिर ईथर का और एल्कोहल का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है। दूसरा जितना कार्बन एटम बढ़ाते जाएंगे उतना इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। अगर हम ब्रांचिंग को ज्यादा कर देते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बॉइलिंग पॉइंट का कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा होता है सॉलिबिलिटी, तो सॉलिबिलिटी में ये वाटर में सॉलिबल हो जाता है क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड को फॉर्म करता है, नहीं तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन ईथर एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसीलिए वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। लेकिन जितना बड़ा कार्बन ग्रुप होगा, यानी जितना कार्बन बढ़ाते जाओगे उतना सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी, क्योंकि कार्बन का वाटर से कोई लेना देना नहीं है, किसका लेना देना है, केवल ऑक्सीजन का। तो जितना ये बल्की ग्रुप करोगे उतना ये दिक्कत करेगा वाटर को ऐड करने में, इसीलिए सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। तो ये आपका हो गया सेकेंड पॉइंट। और सॉल्युबिलिटी का मेन रीजन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर वो कहता है कि सॉल्युबिलिटी क्यों होता है ईथर जबकि तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो आपका हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, और जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा वो वाटर में सॉल्युबल है, अदरवाइज कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। देखो इतना सही पढ़ा हमने आज के, तो इसमें कोई दिक्कत आपको यहां तक। अब इसका लास्ट पोर्शन बचता है, देखो केमिकल प्रॉपर्टीज, इसमें ज्यादा नहीं है केमिकल भी, इसमें केवल दो रिएक्शन है बस, और एरोमेटिक आ जाता है। एरोमेटिक भी सबके साथ सेम चलता है, एरोमेटिक में यही है। देखो एरोमेटिक का तो बहुत अच्छा फंडा है, एरोमेटिक में पूरी केमिस्ट्री में एक ही जैसा। देखो जैसे Br2 ऐड कराएंगे तो Br कहाँ जाएगा, ऑर्थो या पैरा पे जाएगा। ऐसे ही देखो दूसरा को ग्रुप को ऐड करवा दो, जैसे CH3Cl को ऐड कराएंगे तो ये कहाँ जाएगा, ऑर्थो या पैरा में। तो और एरोमेटिक के साथ हर एक के साथ एक ही केस होता है, देखो ऑर्थो में मेटा में चला गया। ऐसे अगर आप इस ग्रुप को ऐड करोगे तो ये ग्रुप कहाँ चले जाएगा, ऑर्थो में पैरा। तो जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड की रिएक्शन होगी वो पूरी बुक में एक जैसी है। अगर आपने एक बार समझ लिया तो ये सबके साथ आपको समझ में आ गया। देखो ये H2SO4 के साथ हमने कल भी किया था, H2SO4 HNO3 का मतलब नाइट्रेशन, नाइट्रेशन में कौन सा ग्रुप बनता है, नाइट्रो ग्रुप, कहाँ जाएगा, ऑर्थो में या पैरा में। देख रहे आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप एरोमेटिक के साथ कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराओगे तो एक जैसी रिएक्शन होती है बस। ये देखो ऑर्थो पैरा, ऑर्थो पैरा, ऑर्थो पैरा, और कुछ नहीं है इसके अलावा। तो एरोमेटिक का तो आसान है, लेकिन इसके अलावा इसमें एक या दो रिएक्शन है बस, बाकी नहीं है, ठीक है, इसमें भी। तो ये आपका फिनिश हो जाएगा। तो आज इतना ही आपको करवाते हैं, पहले आपको इतना लर्न करना है, ठीक है, और कल हम इसको करेंगे विद क्वेश्चन आंसर, ठीक है। हमने कल भी किए थे क्वेश्चन आंसर, आप लोग थे नहीं, दो अंकित और निधि, और मैं आपको कल का भी लिंक शेयर कर देता हूँ, आज का भी लिंक शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो कल का भी आपको लेक्चर देखना फिनॉल वाला, जो नहीं आया उसे मुझे फिर दोबारा पूछना, ठीक, उसे दोबारा पूछो आप, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम भी है तो हम क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं ज्यादा और रिविजन भी कर सकते हैं, क्योंकि लगभग हम लोग लास्ट एंड में आ गए, ये हमारा पूरा कोर्स फिनिश हो चुका है, तो हम रिवीजन में ही आ गए इसके बाद। तो जो चीज नहीं आती उसे करना है और क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना है, ठीक है। बताओ किसी को डाउट, एनी डाउट, नो सर, ओके। तो आज के लिए इतना बहुत है फिर, ठीक है, बाय बाय, थैंक यू सर, ओके।